सुप्रिया बटेंगे, जुड़ेंगे, इस पर तो मैं आता हूं, पर पहले क्योंकि आप महिला भी हैं, किसी महिला को माल कहना, इस संज्ञा देकर संबोधित करना, क्या यह शोभा देता है? और यह आपके गठबंधन की ओर से कहा गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसकी भर्त्सना करती हूं और मुझे लगता है यह गलत है। मुझे लगता है किसी भी आवेश में, किसी भी चुनावी परिस्थिति में, किसी भी महिला के लिए यह शब्द का प्रयोग गलत है और मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि एक ब्याहता को, वैधव्य झेलती हुई एक नेत्री को कांग्रेस की विधवा कह देना, उनके पुत्र को हाइब्रिड बच्चा कह देना, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देना, ये कह देना कि लड़कियों की फोटो अचार के डब्बे पे छाप दो तो अचार ज्यादा बिकेगा, इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी जी ने की है, वो भी सर्वथा गलत है। जिस तरह की धमकियां, जिस तरह की भाषा भाजपा के प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर, जिस तरह की भाषा भाजपा के मंत्री महिला नेत्रियों की यूज करते हैं, वो भी गलत है। लेकिन मैं एक स्वर में इसकी निंदा करती हूं, हमारे गठबंधन ने कहा हो, किसी और ने कहा हो, बिल्कुल गलत है, नहीं कहना जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आधी आबादी की इज्जत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक जीवन में जितनी ज्यादा महिलाएं आएंगी उतना सशक्तिकरण होगा, लेकिन अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा तो महिलाएं कहीं ना कहीं विचलित होकर पीछे हटती है। ये गलत है, बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए। एक सामंती सोच, एक महिला विरोधी सोच, और ये शब्द मैं सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, अंग्रेजी में वो MCP जो यूज होता है, मेल शोविनिस्ट पिग, ये जो पुरुषों की एक मानसिकता है, ये उसका भी प्रकटीकरण है क्या? दरअसल ये कड़वी हकीकत है क्या हमारे समाज की, सुप्रिया? नहीं, मुझे मैं इसको इतना साइकोलॉजिकली नहीं देखूंगी, मैं इसको ज्यादा सोशली देखूंगी। ये एक मान्यता है कि महिलाओं के बारे में ये बातें कही जा सकती हैं और इस पर लोग बचकर निकल सकते हैं। सोनिया जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठकर करते हैं, रूह सिहर जाती है कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है। मैं एक महिला हूं, यहां पर एक और महिला है पैनल में, प्रियंका जी, हमारे बारे में जिस तरह के शब्दों का चयन सोशल मीडिया पे बीजेपी के अधिकृत लोग करते हैं, वो देखकर कई बार शर्म आती है कि इनके घर में क्या मां बहने पत्नियां, इनकी महिला मित्र लोग नहीं है क्या, ये ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? मुझे लगता है ये सामंतवादी सोच से ज्यादा ये कहीं ना कहीं एक दोयम दर्जा महिला को जो माना जाता है उसका प्रमाण है। और मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में, और ये मैं बड़े फक्र से कहती हूं, राहुल गांधी जी जिस तरह से महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, या हमने जो अपने संविधान का संशोधन किया रायपुर अधिवेशन में, और हमने महिलाओं को 50% आरक्षण, पदाधिकारियों के जो लिस्ट थी उसमें महिलाओं को OBC SC ST और अल्पसंख्यकों को दिया, वो बड़ी पहल थी। और मुझे ऐसा लगता है जब प्रधानमंत्री मंच से मंगलसूत्र की बात करते हैं या मुजरे जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये संबल मिलता है कि ये सारी बातें आम बात है, ये भाषा कही जा सकती है, नहीं ये भाषा नहीं कही जा सकती, मतलब ये आम चलन हो गया है। और महिलाओं को ऐसी भाषा से संबोधित करना, मतलब किसी की त्योरियां ही नहीं चढ़ती, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ABP News आपको रखे आगे।